should be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. शेरशाह सूरी ने बनवाया, मेरे को लगता है कि पांडवों ने बनवाया होगा या पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया होगा, क्योंकि वहाँ पे इंद्रप्रस्थ भी है, इंद्रप्रस्थ है तो यानी पांडवों ने ही बनवाया होगा। तो चलते हैं तो हम लोग यहाँ पे किले के गेट के अंदर आ चुके हैं और गेट के बाहर निकलने वाले हैं। बहुत बड़ा सा गेट है ये, दो हाथी एक साथ निकल जाएंगे। आ चुके हैं ये शेरशाह सूरी के किले में। ये किले के बारे में कुछ लिखा है, कब बना था ये। तो गाइस देखिए, हम लोग यहाँ पे तिरंगे के नीचे आ चुके हैं और सबसे पहले आपको हम मस्जिद दिखाएंगे। ये कुछ यहाँ पे लोग यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये रहा मैप, ये किले का मैप है, पुराने किले का मैप, और यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया क्या है। सबसे पहले आपको हम दिखाने वाले हैं मस्जिद, हालाँकि वो मस्जिद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके मस्जिद के ऊपर जो है जहाँ पर झंडा लगता है वहाँ पर त्रिशूल लगा हुआ है। चील भी बैठी है इस टाइम, त्रिशूल लगा है तो ये मस्जिद कैसे हो सकती है, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पर कुछ लोग जो हैं इस त्रिशूल को नहीं देखते हैं, सिर्फ मस्जिद को ही देखते हैं, पता नहीं वो लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो आइए, तो मैं यहाँ पे गेट के सामने आ चुका हूँ, इस महल या मस्जिद के गेट के सामने, जो कि ज़्यादा बड़ा गेट नहीं है। ये बालकनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है मेरे को, वहाँ पे छोटा सा छेद भी है देखने के लिए, ये महल ही लग रहा है मेरे को, मस्जिद बिल्कुल ना है ये। ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं यहाँ पे। आइए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कुल्हा मस्जिद लिखा हुआ है इसमें, कुल्हा मस्जिद, इसकी ऊंचाई भी लिखी है, ये है ऊंचाई 16.5 मीटर। आइए हम लोग इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पर लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं इसके। तो दोस्तों, हम लोगों ने मस्जिद जो है वो देख ली है, हम लोग अब गुफा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो हम भी देखने जाएंगे। चीकू देखो सबसे पहले भागता हुआ, इसे बहुत जल्दी गुफा देखने की है, छोटा सा गुफा में खो जाएगा गधा कहीं का, छोटा सा है। ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे को कमरे लग रहे हैं, पुराने कमरे। ये दीदी का दुपट्टा जो है पोछा लगाते हुए, जिससे पहले महारानी नहीं पोछा लगाती थी, उनका पीछे का दुपट्टा जो था पोछा लगाता रहता था। वह दीदी ऐसे चल रही है बिल्कुल साफ़ करते हुए, हालांकि दीदी ने सही कर लिया उसे। ये देखिए नीचे गुफा मेरे को लग रही है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैंने हमने को कैमरा पकड़ा दिया है और मैं यहाँ से नीचे कूदूँगा। तो ये गांजे के पेड़ जो है खड़े हुए हैं, पता नहीं लोग यहाँ पे गांजा भी पीते होंगे। सबसे अच्छा है 20 रुपये दो और गांजा पियो आगे अंदर फ्री में। तो मैं आगे जा रहा हूँ, ये देखिए पहला ही कमरा पड़ गया यहाँ पर गांजा पीने के लिए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, बहुत अंधेरा है इधर, लाइट वाइट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती है अंदर। ये देखिए यहाँ पर बच्चे घूम रहे हैं हम लोगों के जैसे। ये अंदर एक और कमरा है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल काला घना अंधेरा है। तो जल्दी से हम लोग बाहर निकलते हैं, चीकू को डर लग रहा होगा, यहाँ बच्चे खड़े हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ दूसरे कमरे देखने। ये गांजे के पेड़ खड़े हैं चारों। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up. ये मनाई ने मेरे को बताया कि इधर भी कुछ है, तो इधर भी गाइस कमरे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर से दिखाए थे वही कमरे हैं। बहुत ही गंदा पड़ा, ये लोग साफ सफाई बिल्कुल नहीं करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, साफ सफाई बिल्कुल नहीं करते। ये देखिए यहाँ पे चीकू भी है, ये देखिए कुछ और बच्चे यहाँ पे देखने आ रहे हैं भागते हुए दौड़ते हुए। तो आइए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सारा कुछ देख लिया है। बहुत ही गंदा पड़ा है इधर, प्लास्टिक वगैरह पड़ी है, घास फूस भी खड़ी है। आगे चलते हैं हम लोग जंगल के रास्ते। ये बच्चा कहाँ से निकल पड़ा यहाँ से, इधर भी कुछ है, ये एक बच्चा जा रहा है, दूसरा जा रहा है ये देखने के लिए वहाँ पर क्या है। तो मैं भी जाता हूँ उधर। अरे ये तो गुफा लग रही है मेरे को, टूटी फूटी सी गुफा, कुआँ है, गुफा है, गुफा ही है। कूड़ा वूड़ा पड़ा, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे, अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे,
क्योंकि आगे से मेरे को बंदा लग रही है बिल्कुल, ये पत्थर से बनी हुई काली घनी अंधेरी गुफा। तो हम लोग वापस जाते हैं ऊपर की साइड। तो हम लोग ऊपर की साइड आ चुके हैं, वहाँ पे ऊपर लोग चल भी रहे हैं दीवार की तरफ। हम लोग दीवार की तरफ नहीं गए, हालांकि नीचे आ गए हम लोग गुफा में, हम लोग गुफा में नहीं गए। तो यहाँ पे कुछ लोग उधर उस साइड के आए हैं, हम लोगों की दीवार के ऊपर जाना है। तो हम लोगों से रास्ता पूछे तो लोगों ने बताया उधर से है, यहाँ से जहाँ से हम आए वहाँ से नहीं आ सकते। तो उन भाई लोगों ने रास्ता बताया और हम लोग यहाँ पे सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आ चुके हैं। दीवार बहुत पतली दीवार है, एक ही लोग आराम से चल सकता है। ये देखिए कुछ टूटे फूटे यहाँ पे जो पिलर लगे हैं, पिलर यहाँ पे कमरे हुआ करते थे पहले, पता नहीं यहाँ पे कौन रहता था, सैनिक रहते थे या और कोई रहता था। ये पिलर जो है बिल्कुल टूट चुके हैं, छत भी इनकी ख़राब हो चुकी है। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे देखने के लिए। Really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. ये दोनों लोग पता नहीं यहाँ पे पानी पी रहे थे टैंक से। ये यहाँ पे कुछ है ऊपर की साइड, ये मेरे को लाल किला जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ ये लाल किला का ही है, हम लोग वापस जाना पड़ेगा क्योंकि भाई अंकल जी मतलब गार्ड अंकल जी हैं वो भगा रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम जो है पूरा हो चुका है। जितने हम लोगों ने पैसे दिए थे उतना टाइम 7 बजे तक रहता है खुला, 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो हम लोगों को भाई बाहर जाना पड़ेगा। ये बच्चे भागते हुए यहाँ पे गार्डन का डंडा लेके भगा रहे होंगे। ये देखिए ये कुछ लौंडे हम लोगों को मिल गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए थे, हम लोगों ने इनकी फ़ोटो खींचे और इन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक और गेट है किले का, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बंद रखा है, इन लोगों ने लॉक डाल रखा है। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us so. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be. तो गाइस यहाँ पे आपने देखा अभी लड़कियाँ चढ़ के दिखा रही थी ऊपर, अब मैं भी इन्हें चढ़ के दिखाऊंगा ऊपर कितना आसान है चढ़ना। ये देखिए मैं चढ़ रहा हूँ, अमन भाई कह रहे मेरे को डर लग रहा है मैं नहीं चढ़ पाऊँगा। ये देखिए तो हम लोग इस साइड आ गए हैं और ये देखिए गाइस ये म्यूजियम जो है बंद हो चुका है। उन गधों ने हमें टिकट तो दे दिए, ये बताया नहीं कि म्यूज़ियम कितने टाइम तक खुला रहेगा। म्यूज़ियम बंद हो गया, हमारे 10 रुपये बैठ चले गए, 10 रुपये का एक समोसा मिल जाता हम लोगों को। तो ये देखिए इधर बगीचा जो है बहुत ही सुंदर बगीचा है, इधर कुत्ता भी यहाँ पे घूम रहा है, इसका वजह टिकट लगाइज। ये हुमायूं गेट है जो हुमायूं ने बनवाया था ऐसा कहा जाता है। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को टूटा फूटा सा। आगे चलते हैं आगे। ये गाइस इंद्रप्रस्थ व्यू, ये देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ है दूर वहाँ पे टूटा अवशेष जो हैं वो इंद्रप्रस्थ के हैं। यहाँ पे मौर्य काल भी रहा है और हम लोग इंद्रप्रस्थ आज टाइम देख सकते हैं। इसे कहते हैं भाई गाइस साई हमाम। हमाम माने पता नहीं क्या होता है, मेरे को पता नहीं है, फिलहाल ये साई हमाम है। तो आइए चलते हैं इसके पास। Be nothing less. Don't mess up, and don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing. तो हम लोग ऊपर आ चुके हैं, पता नहीं है क्या कर रहा है बेटा, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए हमें कहीं भी खुले में। तो देखिए मैं सबसे पहले आगे कूदता हुआ जा रहा हूँ। ये देखिए ये भी लेटा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा है ये लोग, गलत बात है ऐसे नहीं बैठना चाहिए पब्लिक के सामने, और हंस रहा है ऊपर से। मैं ऐसे रास्ता पूछा इसने उधर बताया, बहुत अंधेरा उधर। ये है शेर शाह सूरी का महल और हुमायूं का पुस्तकालय, दोनों ने अलग अलग इसका यूज़ किया है। तो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए right no
यहाँ पे ये महल था, इस पे लोगों ने अपनी छमिया के नाम लिख रखे हैं। ये देखिए बाप लिख रखा है यहाँ पे, सब ने अपने अपनी छमिया के और छम्मों के नाम लिख रखे हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कुछ बचा या नहीं है। ये देखिए ये रास्ता इधर बाहर से निकलने का, तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए वहाँ पे चीकू खड़ा है ग्रिल के पास, आइए देखते हैं कि लोगों ने हमें देखा कि नहीं। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. चीकू ने देख लिया था, पर दीदी ने देख पता नहीं देखा नहीं देखा था। बिलाल ब्रो डरे नहीं बिल्कुल भी। Be nothing less. Don't mess up and don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel and it hurts. तो मेरे को उस साइड कुछ दिख गया है, तो वहाँ पे चलते हैं देखने के लिए। कुछ लोग बता रहे थे नीचे कैद खाना था, उन लोगों ने अब बंद कर दिया है, पता नहीं। देखिए वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, उनको देख रहे हैं। तो आइए इन लोग इसके पास चलते हैं अंदर, इसके देखते हैं अंदर क्या है वहाँ पे। तो मैं सबसे आगे जा रहा हूँ, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। ये लड़का पता नहीं वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा है, दोनों हाथ आगे करके। तो देखते हैं ये लड़का क्या कर रहा है वहाँ पे, आइए चलते हैं। दोनों हाथ आगे हैं, बैग टांगे हुए हैं। बेचारा पानी पी रहा था, हम लोगों ने यहाँ से पानी पिया और हम लोग आगे बढ़े। ये लड़के हैं, हम लोगों ने इनसे बात तो चीत की, इन लोगों ने अपने फ़ोटो खिंचाए हम लोगों से। तो आइए चलते हैं आगे दूसरी तरफ, बाहर चलते हैं अब, क्योंकि सारा किला हम लोगों ने घूम लिया है अब। तो हम लोगों ने पूरा किला घूम लिया गाइस, अब हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं गेट की तरफ, क्योंकि भाई गार्ड अंकल जो बार बार कह रहे हैं जाओ जाओ, टाइम ख़त्म हो गया था हम लोगों का। तो हम लोग किले के गेट के पास आ चुके हैं और बाहर निकल रहे हैं, गेट दोनों खुले पड़े हैं इस टाइम। तो हम लोग बाहर देख सकते हैं आप, बहुत लोग सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। ये चीकू देखिए, इसे बहुत मज़ा आया, बोतल पकड़े हाथ में, सारा पानी इसने पिया है। ये देख लड़कियाँ हैं फ़ोटो खींच रही हैं, उन्हें बहुत ध्यान से देख रहे हैं उन्हें। ये देखिए मैंने कुछ के बारे में जो बताया, कुछ मेरे को बता रहे थे, कुछ मैंने इनको बताया, ये पूछ रहे हैं। ये देखिए भाई अब सब बाहर आ ही रहे हैं, क्योंकि जो किला है जो बंद होने वाला है अब, उसका टाइम जो है पूरा हो चुका है। ये देखिए लोग बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है, वहाँ पे थोड़ी चेकिंग होगी। टोकन हमसे वापस लिया जाएगा, अगर टोकन खो जाता है 100 या 500 रुपये उस पर जुर्माना पड़ेगा। चीकू बहुत मज़ा आ रहा है, कूद रहा है अभी भी, बिल्कुल नहीं थका आज ये। देखिए गाइस कैसे कूद रहा है ये, इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये मैं टोकन दे रहा हूँ अनवय को वापस। ये देखिए बहुत लोग वापस आ रहे हैं अब, हालांकि सभी लोग वापस आ रहे हैं अब। And don't you tell us all how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Good, be good again. I could be good.